वंस अगेन बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लेक्चर नंबर 2। टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो कंटीन्यूअस वेरिएबल। बच्चों, हमने डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में, आपने उसका कैलकुलेशन पार्ट अच्छी तरह समझ लिया होगा, अपनी नोट में लिख दिया होगा, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अभी बच्चों हम स्टार्ट रहे कंटिन्यूस वेरिएबल, तो आप बोलोगे सर ये जो बेसिकली है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉल क्वांटिटी डेटा, उसमें दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट है बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकेंड जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल में जो हमने डिस्कस किया था बच्चों वो तो आपको क्लियर है, अभी कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या डिस्कस करना है बच्चों, द वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू विद इन द गिवन रेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो समझ लो बच्चों ये जो है वो कोई भी क्लास लेते हैं, क्लास किसको बोलते हैं बच्चों, तो ये भी आपको क्लियर करना है, ये क्लास है 1 to 10, 10 to 20, तो ये क्लास में से कोई भी नंबर ले सकता है। मतलब आप बोलोगे सर 6.5 भी हो सकता है, 6.6 भी हो सकता है, 6.05 भी हो सकता है, तो कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, तो वही क्लास में आएगा 0 से 10 के बीच में, तो कोई भी रेंज में विदिन द रेंज में वो आ जाता है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे समझ लो हाइट ऑफ स्टूडेंट, टेम्परेचर ऑफ स्टूडेंट, वो पॉइंट में भी हो सकता है। मतलब आप बोलोगे सर टेम्परेचर जो होता है वो 28.2 भी हो सकता है, 28.28 भी हो सकता है, 28.30 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो स्पेसिफिक क्लास में कवर हो जाएगा। बच्चों आपको एक पॉइंट और बताता हूं, ये मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन आपको क्लियर करना है, ये जो आएगा उसको आप अपर लिमिट बोलोगे, अपर लिमिट ऑफ क्लास, और यहां पे लिखोगे लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। बच्चों ये क्लियर है, ये फर्स्ट क्लास का है। सेकेंड सपोज मैं लिखता हूं कि ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो आप बोलोगे सर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के पॉइंट में हम कवर कर रहे हैं, तो बच्चों आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आप क्लियर कर लोगे, तो आपके लिए बेसिक ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, और नोटबुक में ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देना। कई जगह पे बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें समझने में, तो वो ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद कंटिन्यूस में दो टाइप कवर होते हैं, क्लास दो तरीके से बना सकते हैं, एक है इंक्लूसिव एक है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव दूसरा है एक्सक्लूसिव, तो हमने दोनों डेफिनेशन अच्छी तरह लिख दिए बच्चों, आप ध्यान से समझ लो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यहां से रियल सफर हो रहा है चैप्टर का शुरू, तो आपको ये ध्यान से करना है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होना शुरू होगा, तो ध्यान से बच्चों यही समझना। और इसके चार सम मैं कवर करवाऊंगा, जिसमें से दो सम मैंने सॉल्व किए, दो आपसे करने हैं, और मैंने वो पूरा कर दिया है, खाली टैली मार्क आपको करना है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या करना है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप बोलोगे सर इंक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, क्या दोनों, तो वो पढ़ते हैं अभी बच्चों। इफ वी हैव अ क्लास 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 एक्सेट्रा आर क्लासेस, हमारा कोई क्लास फ्रीक्वेंसी है जिसमें ये क्लासेस दिए हुए हैं। अभी ये क्लास की दो लिमिट दी हुई है, बोथ द वैल्यू 30 and 39, ये जो है क्लास में 30 से लेके 39 तक, जिसमें 30 और 39 एक ही क्लास में आ जाएंगे, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आर इंक्लूडेड इन द क्लास 30, 39, सिंस द बोथ द लिमिट आर कवर इन द सेम क्लास और इन द कवर दिस क्लास, सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इंक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें दोनों लिमिट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों एक ही क्लास में कवर हो जाती है। मैं बोलूंगा 30 तो भी ये क्लास में आएगा, 39 बोलूंगा तो भी ये क्लास में होगा। आपको समझने के लिए एक दूसरा पॉइंट समझ जाता हूं, 40 to 49, तो आप बोलोगे सर 40 भी ये क्लास में आएगा और 49 भी यही क्लास में आएगा, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, अच्छी तरह नोट में पॉज करके लिखना है, तो यहां तक लिख दीजिए, आपने ये लिख लिया होगा। अभी हम चालू कर रहे हैं एक्सक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, इन अवर क्लास आर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो बच्चों ये कहने का मतलब है कि ये जो क्लास दिया हुआ है क्लास, तो आप बोलोगे सर ये जो क्लास दिए हुए हैं वो कौन से टाइप के, तो आप बोलोगे सर ये जो क्लास दिए हुए हैं ऐसे दिए 10 to 20, 20 to 30,
और 30 to 40 इतना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है देन द वैल्यू इज 30 इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास 20 to 30। जो 30 है ये क्लास में कवर नहीं होगा लेकिन वो नीचे के क्लास में कवर होगा, तो क्या बोला जाएगा आर इंक्लूडेड इन द क्लास नेक्स्ट क्लास 30 to 40। सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव टाइप। अभी एग्जांपल और बढ़ाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 30 टू 40 तो हो गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर 40 to 45, 40 to 50, 50 to 60। तो आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आप बोलोगे अभी समझना, मैं 20 बोल रहा हूं तो ये वाले क्लास में इंक्लूड होगा, मैं बोल रहा हूं 60 तो आप बोलोगे सर यहां कहीं इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए 60 to 70 आपको लिखना पड़ेगा। सेम वे मैं बोल रहा हूं 40 to 50 के क्लास में तो नहीं, अभी थोड़ा अलग बोलता हूं, चलो 50 किसमें कवर होगा तो आप बोलोगे सर 50 to 60। सेम वे आपको वो समझना है, लास्ट बार अच्छी तरह समझाता हूं, 40 तो आप बोलोगे सर इसमें नहीं आएगा, ये नीचे वाले क्लास में आएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक्सक्लूसिव टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नेक्स्ट क्लास में वो कवर होता है। बच्चों ये छोटा सा पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिख लेना बहुत जरूरी है, मैंने जो पहले लिखा था वो भी लिखना, छोटे छोटे पॉइंट समझने में बहुत इजी रहेगा। बच्चों अभी मैं पूरे 4 सम हम डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से 1 by 1 हम डिस्कस करते जाएंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है, द फॉलोइंग डेटा गिवन द एज ऑफ 50 फीमेल हु हैज कमिटेड सुसाइड। मतलब आपको तो वो समझना है कि डेटा है वो 50 फीमेल जिन्होंने सुसाइड किया है। प्रिपेयर एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब वो है बाय टेकिंग सूटेबल क्लास, क्लास अपने हिसाब से लो। लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो बहुत सिंपल पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, कि आप क्लास अपने हिसाब से लो लेकिन एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ये क्लास बनाते हो आप तो आपको क्लास के नंबर जो होते हैं, क्लास कितने नंबर बनेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना है। आप 8 से 10, मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा नहीं बनाने, वो एक नॉर्मल हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल है कि मिनिमम नंबर कौन सा है ये एंड मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखेगा, मुझे दिख रहा है 40 40 40 40 46 भी दिख गया, 40 52 भी दिख गया। उसके बाद आप देखोगे तो 52 हाईएस्ट नंबर है मैक्सिमम। और सेम वे बच्चों आप बोलोगे मिनिमम में 16 दिख रहा है, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, 16 से कम 15 दिख रहा है, 15 15। बच्चों सर भी एक एक लाइन चेक कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है। इससे क्या होगा आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे बनाना है, अदरवाइज आप कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहला जो क्लास है मुझे मिनिमम 15 तो चाहिए ही। तो अभी आप बोलोगे सर हम स्टार्ट करते हैं, क्लास लेंथ जो है वो 5 की लेंगे। तो हम पहला जो क्लास लेंगे 15 कवर करना है, तो आप बोलोगे सर हम करते हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55। तो आप देखोगे बच्चों कितने क्लास बने, नंबर ऑफ क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 आइडियल है, उससे ज़्यादा बहुत लंबे हो जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट के बाद। तो बच्चों आपको जो मेन पॉइंट स्टार्टिंग ध्यान में रखना है एक्सक्लूसिव का, जो आपने बोला कि सर देखो दोनों की, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट दोनों सेम होंगी, पहली बात। दूसरी बात आप बोलोगे सर 20 आप बोलोगे तो कौन से क्लास में लिखोगे, तो आप बोलोगे सर ये क्लास में। जैसे मैं बोलूँ 50 तो 50 वाला ऑब्जर्वेशन आएगा ये क्लास में। आप बोलोगे सर जैसे 40 बोलोगे तो ये क्लास में। आप बोलोगे नहीं सर मैं बोलूँगा 35 तो ये क्लास में आएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो होगा वो लोअर अपर लिमिट जो होगी, मतलब वो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे ये दिया हुआ है
20, तो 20 ये वाले क्लास में नहीं आएगा, वो आएगा दूसरे वाले क्लास में। सेम वे पहले वाले में दिया हुआ है, मतलब 20 टू 25 में 25 यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा कौन से क्लास में, तो नेक्स्ट वाले क्लास में, वो ये वाला क्लास है वो उसमें। बस बच्चों इतना ही ध्यान रखना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, पहले 16 है, तो आप बोलोगे सर 16 जो होगा वो 15 टू 20 में आएगा, बाद में है 24, तो 24 आएगा 22, 25 में, जो 20 है वो आप बोलोगे सर कौन से में आएगा, तो ये वाले क्लास में, बाद में है 22, तो 22 आप बोलोगे सर किसवें क्लास में आना चाहिए, तो ये आएगा 22, 25 के क्लास में। 34 है बच्चों, तो 34 होगा ये वाले क्लास में, 32, 35 में। 40 जो है आप बोलोगे सर नीचे आएगा। सेम वे 15 जो है वो आप बोलोगे सर 15 यहाँ पे ही आएगा। इसके बाद 23 है, तो 23 ये क्लास में आएगा। 31 है बच्चों, तो 31 बहुत सिंपल है, तो आप बोलोगे सर ये 31 जो होगा वो आएगा, आप बोलोगे 32, 35 में आएगा। 21 है, तो 21 है जो आएगा आपको 22, 25 में आएगा। आपको बोला गया 22, तो वो भी इसमें ही आएगा बच्चों। आप बोलोगे सर 25, तो 25 यहाँ पे देखो बच्चों, 4 ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये जो दिया हुआ है उसमें 24 जो आएगा इसमें ही आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 4th हो रहा है, तो हमें पांचवा जो करेंगे वो टैली मार्क करेंगे, वो ऐसे करेंगे। एक बंच हमारा 5 का रेडी हो गया। सेम वे आप बोलोगे सर 36 आप बोलोगे सर 35 टू 40 के बीच में आएगा। 31 जो होगा वो होगा ये 32, 35 में, बाद में आप बोलोगे 21 आएगा 25 टू 30 के बीच में, बाद में 17, तो 17 आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा पहले वाले क्लास में 15 टू 20, 20 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया है। बाद में आप बोलोगे सर 25 है, तो 25 हमें ध्यान रखना है 20 टू 30 के बीच में आएगा, तो सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे जाएंगे 22, तो 22 आप बोलोगे सर यहाँ आएगा, बाद में 23, तो ये आएगा थर्ड वाले में। 26 तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे। सेम वे 16 तो आप बोलोगे सर आएगा 15 टू 20 के बीच में, यहाँ ऑलरेडी 4 हो गए तो ये हो जाएगा, वैसे 5 का बंच एक रेडी हो गया। 18 तो आप बोलोगे सर यहाँ दूसरा एक आ जाएगा। 21 तो आप बोलोगे सर नीचे 4 का बंच और बन गया। 19 तो आप बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा, बाद में 52 तो थोड़ा नीचे जाएगा, तो 52 में यहाँ नीचे लिखेंगे। 30 तो आप बोलोगे सर 30 जो होता है ये नीचे वाले क्लास में 32, 35 के बीच में आएगा, यहाँ 4 का बंच आ गया। 20 तो 20 आप बोलोगे सर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 का बंच हो गया। 27 तो आप बोलोगे सर 27 जो होगा 25 टू 30 के बीच में 27 आ जाएगा। बाद में 46 तो 46 आप बोलोगे सर यहाँ पे 45 टू 50 के बीच में 46 आएगा। 16 तो आप बोलोगे सर 16 तो आप बोलोगे 15 टू 20 16 में आएगा। 21 तो 21 जो आएगा वो आप बोलोगे सर 20 टू 25 में, वो कितना आएगा 21, तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। अभी एक आखिरी लाइन आ रही है, मतलब 35 तो 31 है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 31 तो ये होगा, यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो गए तो सर ने ये 5 कर दिया। 40 है तो बच्चों आप बोलोगे सर 40 यहाँ पे आएगा। सेम वे बच्चों आप बोलोगे 36 तो 36 को कट करना भूलना नहीं है और उसके बाद ही करना है, तो क्या डबल डबल ना हो जाए बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये रहा 36। 25 तो बच्चों आप बोलोगे सर 25 जो है टेलीमार्क के लिए, तो आप बोलोगे सर नीचे आ जाएगा। सेम वे 24 तो 24 आ जाएगा आपको कितने में, तो आप बोलोगे सर 24 होगा यहाँ पे। 19 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा। 23 तो 23 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 21 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा। 20 तो आप बोलोगे सर ये तो 4 भी हो गया और पांचवा ये हो गया। 42 तो 42 आप बोलोगे सर ये होगा थर्ड वाला, बाद में 43 होगा, तो 43 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा। बाद में 38 तो 38 हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये होगा 38। 22 तो आप बोलोगे सर 22 तो 22 आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से। 24 तो फिर से सेकंड आ जाएगा। 19 तो आप बोलोगे सर यहाँ ऑलरेडी 4 तो हो गया, 5 ये हो जाएगा। 17 तो आप बोलोगे सर 17 जो आएगा
वो बेसिकली फिर से एक नया दौर शुरू हो जाएगा। 21 तो 21 तो 21 आप बोलोगे सर यहाँ पे 3, और 19 जो है वो यहाँ आ जाएगा 2 के और में। तो अभी आप बोलोगे सर नंबर जो आप ध्यान में रखने वाले हो तो लिखना शुरू करोगे सर यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 5 थ्री टाइम्स है तो 15 + 3 आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, बाद में बच्चों हो जाएगा 6, बाद में हो जाएगा 5, बाद में हो जाएगा 3, बाद में हो जाएगा 4 1 1 टोटल करेंगे बच्चा, टोटल बच्चों हो जाएगा n इज इक्वल टू करके 50, और हमारा पहला सम बच्चों रेडी हो गया। तो आपको ये शांति से प्रॉपर अपनी नोट्स में लिख देना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा, और मैंने भी कट किया है पहले से लेके आखिरी पॉइंट को, बहुत सीरियसली लेना है, ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप दूसरी मेथड से। कई बार बच्चे उसमें से कैलकुलेट करके लिख लेते हैं लेकिन कई बार गलती होने के चांस होते हैं, तो वो गलती ना हो तो बच्चा ऐसे मेथड से करना है, मुझे पॉज कीजिए और लिख लीजिए। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सम, तो सेकेंड सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, द डेटा ऑफ वीकली इनकम ऑफ 40 वर्कर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर एज फॉलो। तो हमें ये पता चल गया कि सर जो हमारा एन आएगा आखिर में टोटल आएगा, एन आएगा वो 40 हो जाएगा, वो ध्यान रखना है बच्चों। दूसरा पॉइंट आगे बोला गया है, कंस्ट्रक्ट है एप्रोप्रिएट एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एक्सक्लूसिव लिखा नहीं है बच्चों, वो ध्यान में रखना है, हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द सूटेबल क्लास लेंथ। क्लास लेंथ अपने हिसाब से करो, लेकिन बच्चों आप ध्यान रखो 8 क्लास नंबर होने चाहिए, 8 से लेके 10 तक 8 आइडियल है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, 8 से लेके 10 तक क्लास नंबर होने चाहिए। यहाँ पे जो क्लास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 के लिए आइडियल है 8 से लेके 10 तक, उससे ज़्यादा होगा तो वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको जो एज यूजुअल मैंने पहले भी करवाया था, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर मिनिमम नंबर जिसको बोलते हैं, मुझे यहाँ 165 दिख रहा है और दूसरा आपको कहीं पे दिख रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर नहीं इससे कम दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर मिनिमम नंबर जो है वो 165 और मैक्सिमम नंबर है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 290 है, और दूसरा यहाँ से लेना शुरू करते हैं तो 290 के आगे कोई नंबर दिखता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 290 290, मैं हर एक रो में कॉलम में चेक कर रहा हूँ, रो करो या कॉलम जो भी बोलो, तो आप बोलोगे सर रो के हिसाब से तो नहीं हो रहा 290। तो बच्चों 290 के हिसाब से अभी क्लास ये हमारा है, तो आप बोलोगे सर कितने क्लास के हिसाब से कितनी क्लास लेंथ लेनी चाहिए, तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे कवर करना है हमें अराउंड, देखते हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला क्लास हम जो क्लास लेंथ लेते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो क्लास लेंथ है 420 लेते हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो तो आप बोलोगे सर पहला क्लास लेते हैं 162, आप बोलोगे सर 180 200 200 to 220 220 to 440 440 to 460 460 to 480 480 to 300। तो बच्चों ये आइडियल है, उससे आगे अभी सपोज आप कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम 10-10 के गैप में ले, तो 10-10 के गैप में ले सकते हो, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है बच्चों 10 के गैप में लोगे तो आपके क्लास बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो 7 होते हैं, 10 लेते हो तो 14 होंगे, तो मतलब आइडियल 8 है, उससे थोड़े कम होगा। कोई ऐसा ना बोले कि सर 50-50 के ले ले, 50-50 के ले सकते हो लेकिन उसमें क्लास बहुत कम हो जाएंगे, एग्जैक्ट बोलूँ तो 150 से 200 एक क्लास, सपोज आप 50 के लेते हो तो, बाद में आप बोलोगे 200 से सर 250, बाद में आप बोलोगे सर 250 से लेके आपको कौन सा करना है, तो आप बोलोगे सर 300, तीन क्लास में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, जो बहुत छोटा हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 8 आइडियल है, उससे आगे जाना थोड़ा तकलीफदायक है, लेकिन आप समझ लो 6 to 8 के बीच में आए तो वो सही है, कैलकुलेशन पार्ट सही रहता है। बच्चों इसमें टैली मार्क आपको खुद करना है, मैं आंसर लिख देता हूँ जिससे आपको क्या क्लैरिटी आ जाए, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8 8 9 5 5 2
टू टोटल करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 40 जो हमारा था वो टैली हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चों ये सम खत्म करते हैं। आप इसको पॉज करें और अपने आप ये खुद में कर ले, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। मैंने बेसिक पूरा करवा दिया है, ये एक्सक्लूसिव टाइप का था, अब हम जो क्लास बनाने वाले वो इंक्लूसिव टाइप के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से आप देखते जाइए। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 3 हमारे लेक्चर के हिसाब से। तो बच्चों ये जो है हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्लास बनाने वाला है, तो इसमें कैसे हिंट दी होगी, क्या हिंट दी होगी, तो वो समझते। सम में इस बार कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह दिया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा ऑब्टेन एज फॉलो, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द डेटा सच दैट क्लास लेंथ इज 5। क्लास लेंथ होनी चाहिए 5, और उसमें बोला गया कि एक क्लास होना चाहिए 32-34। तो इनडायरेक्टली यहाँ से आपको हिंट मिलेगी। आप बोलोगे सर 32-34 इसका मतलब वो होगा क्लास में देखो 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 33 हो जाएगा और 34 आ जाएगा। तो देखो ये इनडायरेक्टली आप बोलोगे सर 5 क्लास मतलब क्लास लेंथ हो गई 5। तो ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इसमें हम जो करेंगे वो इंक्लूसिव टाइप के क्लास बनाने हैं। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है, तो एज यूजुअल मिनिमम ऑब्जर्वेशन या नंबर, और आप बोलोगे सर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और नंबर। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो आप देखो सर मिनिमम नंबर यहाँ से मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर मिनिमम जो मतलब 21 यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से आगे चलते चलते आप बोलोगे सर 21 से कम कहीं नहीं दिख रहा है बच्चों, सर को आपको भी नहीं दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे सर मिनिमम नंबर है 21 और मैक्सिमम नंबर बच्चों 23 पहला दिखा, बाद में 46 दिखा, बाद में 46 के बाद बच्चों सर को अभी 46 के बाद 54 दिखा, इसके बाद बच्चों सर को भी और कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे सर लिखो 54 और इसके साथ बच्चों हमारा क्लास बनने का अभी शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्लास में सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, तो हमें 20 कवर करना है, तो सबसे पहला जो क्लास बनेगा आप बोलोगे सर कौन सा बनाओगे, तो आप बोलोगे सर 22 क्या बनाना है बच्चों 22-24 का बनेगा। ये इनडायरेक्टली ये क्लास को भी ध्यान में रखना है कि ये क्लास कवर हो जाए, तो हम देखते हैं ये होता है कि नहीं, क्योंकि हमने जो ये लिया है सेम टू सेम वैसा ही लिया है। तो आप बोलोगे सर 25-29 बोलोगे 32-34। तो बच्चों ये ध्यान रखो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो ये क्लास नहीं आया तो आपको समझना है कि ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपको वो देखना है, आप वैसे नहीं ले सकते कोई भी नंबर से, आपको वो कंसिडर करना है कि क्लास आएगा ना, 5-5 की क्लास लेंथ यूज करके ये क्लास आना चाहिए, तो आपको रफ में कहीं पे बनाना होगा, बाद में करना है तब भी जाके आपको समझ में आएगा। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ से लिखो 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-55 आप बोलोगे सर 55-59 यहाँ लिखेंगे 59 तक। आप बोलोगे सर ये 55 बस ये हमारा काम हो जाएगा, जेन्युइनली बोलो तो ये क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आखिरी नंबर 54 ही है, तो लास्ट वाला क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खाली लिखता है लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में कहीं हेल्पफुल नहीं होने वाला। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अभी आप स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर जो टैली मार्क है एक सम का मैं करवाऊंगा, दूसरे का आपको होमवर्क में दूंगा, तो आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे बोलोगे सर देखो 33 है, तो 33 तो आप बोलोगे सर ये आएगा यहाँ 32-34 में, 35 जो होगा बच्चा वो नीचे आएगा। अभी जो नंबर है जहाँ पे वहीं पे हमें उसको टैली मार्क करना है। आप बोलोगे सर 2 मिनट में आ जाएगा वो 37, तो आप बोलोगे सर 37 जो होगा वो ये आएगा ये 35-39 के बीच में आएगा। बाद में आप बोलोगे सर 35 है, तो 35 है तो आप बोलोगे सर यहाँ नीचे क्लास में ही आएगा, 34 है बच्चों तो ऊपर आ जाएगा, 36 है, इन लोगों ने एक ही नंबर पे एक ही क्लास दो ही क्लास पे कैलकुलेशन हो रहा है बच्चों। आप बोलोगे सर 45 नया क्लास आया तो ये यहाँ पर लिखा, उसके बाद 42 बच्चों तो 42 ये क्लास में आएगा, 37 बच्चों आप बोलोगे सर 37 किस में आएगा,
तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये वाले क्लास में आएगा 35 टू 39 में, और यहाँ ऑलरेडी हमारे चार हो गए थे तो हमने पाँच में डैश कर दिया। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, ये गलती से भी जल्दी में गलती नहीं होनी चाहिए। 34 बच्चों, तो 34 आप बोलोगे सर ये से आगे जाएगा। 33 तो आप बोलोगे सर 33 जो है वो यहाँ पे होगा। 45 बच्चों, तो 45 आपको होगा यहाँ पे, 45 हो जाएगा। उसके बाद 46 बच्चों, तो 46 जो आएगा वो सेकेंड मतलब थर्ड नंबर पे आएगा। 37 में बच्चों कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर 37 है वो 35 टू 39 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। 20 बच्चों आप बोलोगे सर पहले ही क्लास में आ जाएगा। 21 आप बोलोगे सर कौन से क्लास में आएगा, तो सेकेंड नंबर के क्लास में, तो आप बोलोगे सर इसके बाद 46 है, तो 46 आप बोलोगे सर आएगा यहाँ पे। उसके बाद 44, तो 44 आएगा यहाँ पे। 45, तो 45 में बच्चों आप बोलोगे सर चार हो गया है, तो एक और लाइन करेंगे तो पांच हो जाएगा। 29 बच्चों, तो हो जाएगा सेकंड वाले में। 27, तो 27 बच्चों आप बोलोगे सर ये आप जो करोगे ये आएगा सेकंड नंबर की क्लास में। 28 तो आप बोलोगे सर 28 जो है हमारा बहुत सिंपल है, वो आएगा सेकेंड क्लास में। बाद में आप बोलोगे 26, तो आप बोलोगे सर ये चार हो गया और एक पाँच। 54 बच्चों, तो 54 आपका आएगा यहाँ लास्ट सेकेंड लास्ट में मतलब अभी। 47, तो 47 आप बोलोगे सर ये आएगा 45 टू 49 में। 22 बच्चों, तो आप बोलोगे सर 20 टू 24 में आएगा। आप बोलोगे सर 33 आएगा 32 34 में, यहाँ ऑलरेडी चार हो गए तो आप बोलोगे सर ये पाँच हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 32 वो भी यहाँ पे आएगा। 32 फिर से दिए हुए हैं तो यहाँ पे आएगा। बच्चों ध्यान रखने की बात है, सर एक एक पॉइंट को कट कर रहे हैं इसलिए गलती ना हो, क्योंकि ये कैश मार्क है, आपको आराम से मार्क मिलेंगे सब्जेक्ट टू आप ध्यान रखोगे तो। यहाँ पे 41 दो बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक और ये दो। 23 आप बोलोगे सर 23 आएगा आप पहले वाले में, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। 31, तो 31 आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 32 34 में, ये आ गया। बाद में आप 41 बोलोगे, तो 41 आएगा यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है, तो ये हो जाएगा। बाद में 23 बच्चों, 23 आएगा यहाँ पे। 21 बच्चों आपको होगा 21, ये होगा यही क्लास में, तो ये कट हो जाएगा। 39 तो आप बोलोगे सर 39 जो है ये क्लास 35 टू 39 में होगा। 23 बच्चों आप बोलोगे सर ऊपर फिर से आ जाएगा। 33 है जो, 33 आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे 30 टू 40 के बीच में 33 आ जाएगा। 42 बच्चों आपको ध्यान में रखना है, 42 बच्चों आपको ध्यान में रखना है आएगा कितने में, 40 टू 44 उसमें आ जाएगा। 41 आप बोलोगे सर 41 जो होगा वो हमारे हिसाब से 41 में जो है वो 42 44 के बीच में आएगा। इसके बाद 33 है बच्चों, 33 है वो हमारे चार हो गए, तो अभी आप बोलोगे सर पाँच हो जाएंगे। 38 है बच्चों, तो 38 आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा, 38 जो है वो नीचे वाले क्लास में, तो आप बोलोगे सर 35 टू 39 के बीच में। 36 है बच्चों, 36 है बच्चों, तो आप बोलोगे सर वही क्लास में आगे जाएंगे। 40 जो होगा वो नीचे आएगा, यहाँ पे 36 है बच्चों, वापस 36 आया तो ये ध्यान में रखना है। 38 वो भी यहाँ पे ही आएगा। 24 और 27, तो 24 तो यहाँ पे आएगा, और आप बोलोगे सर 27 नीचे के क्लास में सेकेंड नंबर के क्लास में आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चों आप बोलोगे सर इतना होने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, तो पहले जो है वो 7 है, दूसरे वाले में 6 है, बाद में आप बोलोगे सर बच्चों हमारे 10 है, इसके बाद आपके कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने थोड़ा अलग कर दिया। देखो बच्चों यहाँ पे सर ने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गलत किया है, तो 1 देखो मैं अलग पेन से करता हूँ, तो 1 2 3 4 और 5 का भी लिया है, तो आप बोलोगे सर ये एक अलग कर दो और ये जो है बाकी के, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और ये 5, तो आप बोलोगे सर ये जो हमने किया है वो 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और 2 थे तो हम लिखेंगे 12, तो बच्चों ये भी हो गया। इसके बाद आप बोलोगे 8, इसके बाद आप बोलोगे बच्चों 6 और यहाँ पे 1,
इसके साथ हमारा टोटल करने जाओगे बच्चों तो टैली होना चाहिए कितना। यहाँ पे नंबर नहीं दिया कि कितने नंबर लिया हुआ है, कि वो नंबर दे देते हैं कोई भी तो आप में टैली करने में इजी रहता है बच्चों, वो ध्यान रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। गलती से भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो 7 + 7 + 6 + 10 + 12 + 8 + 6 + 1 तो ये 50 हो जाएगा। और ये टोटल नंबर लिखना है तो लिख सकते हो टोटल नंबर n इज इक्वल टू 50। और इसके साथ हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। बच्चों पॉज करके मुझे लिख लीजिए। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये लास्ट हमारा फोर्थ सम है ये वीडियो का, और इसमें हम क्लास और टैली मार्क आपको खुद करने हैं, हम क्लास का डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है द एज ऑफ 60 एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑफिस आर रजिस्टर एज फॉलो, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब में नहीं बोला गया लेकिन हम इंक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले। आप एक्सक्लूसिव टाइप का भी बना सकते हो लेकिन हम ये इंक्लूसिव टाइप का बनाने वाले बाय टेकिंग द क्लास लेंथ ऑफ 5 टेकिंग द इंफॉर्मेशन। तो 5 जो क्लास लेंथ होनी चाहिए 5 की होनी चाहिए। तभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो सबसे मैक्सिमम पहले मिनिमम और बाद में मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो आप बोलोगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 32 दिख रहा है, 52 ये रहा, 52 के बाद कोई बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप शांति से देखोगे तो कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो मैक्सिमम नंबर है वो 52 है, और आप बोलोगे सर इसके बाद जो है जो मिनिमम नंबर बच्चों ढूंढना स्टार्ट करना है वो आप बोलोगे सर कितना होगा। तो मिनिमम नंबर जो है वो हमारा 25 यहाँ दिख रहा है, मिनिमम 25, यहाँ पे 21 तो ये 25 चला जाएगा, 25 21 21 21 21 से कोई छोटा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर पहला क्लास लिखेंगे हम जो कवर करेंगे वो 20 to 24 24, मतलब आप बोलोगे सर 25 to 29 क्योंकि इंक्लूसिव टाइप का है, 32 34 35 to 40। बच्चों आप बोलोगे सर 40 नहीं लिख सकते, 39 लिखना है क्योंकि ये इंक्लूसिव टाइप का है, 40 to 44, 45 से लेके बच्चों आप बोलोगे सर 49 और 50 से लेके 54। तो ये पॉइंट होते ही आप बोलोगे सर हमारा क्लास हो गया रेडी, अभी आपको टैलीमार्क खुद करना है। पॉज करिए और ये पूरी तरह अपनी तरह अच्छी बुक में लिख दीजिए। बच्चों मिलेंगे आप नए पॉइंट में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों अभी हमने 4 सम डिस्कस कर लिए है, आपको प्रॉपर तरीके से अभी ये नोट्स में भी लिख लिए होंगे, अभी मैं थोड़े सम एक्स्ट्रा आपको दूंगा वो आपको प्रॉपर करना है। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए टॉपिक में जब हम डिस्कस करेंगे जहां पे क्लास लेंथ दी होती है या नंबर ऑफ क्लास दिए होते हैं या स्पेसिफिक क्लास दिया होगा कि यही टाइप को आपको बनाना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में।